चार धाम यात्रा ने बनाया नया कीर्तिमान, टूट गए सारे पुराने रिकॉर्ड। 1200 वर्षों में पहली बार पहुंचे इतने अधिक श्रद्धालु। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा ने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 5 दिन में ही श्रद्धालुओं की संख्या ने नया कीर्तिमान बना दिया है। चारधाम यात्रा पिछले 1200 सालों से चल रही है, लेकिन इस साल पहली बार इतने अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। यात्रा शुरू होने के बाद पिछले 5 दिनों में अब तक 276,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दरबार में पहुंचे। अब तक 1,26,000 शिव भक्त बाबा केदार के दर पहुंच चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 5 दिनों में 39,000 भक्त बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री धाम 48,000 और यमुनोत्री धाम में 59,000 श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। इसके साथ साथ चारधाम यात्रा के लिए अब तक 26,73,000 लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अगर पिछले साल 2023 के आंकड़ों के साथ तुलना करें तो पिछले साल पहले दिन यमुनोत्री धाम में 6,838 यात्री पहुंचे थे। वहीं इस बार कपाट खुलने के दिन 12,193 यात्री यमुनोत्री धाम पहुंचे। इसी तरह केदारनाथ धाम में पिछले साल कपाट खुलने के पहले दिन 18,335 यात्रियों ने दर्शन किया था। वहीं इस बार 29,000 श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी बने। इसी तरह अन्य 2 धामों में भी इस बार पिछले साल की तुलना में अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे, यानी पिछले साल की तुलना में पहले दिन ही 2 गुने यात्रियों ने दर्शन किए। अगर हम दर्शन की बात करें तो यमुनोत्री धाम में अब तक 10 तारीख से लेकर आज की तारीख तक लगभग 59,158 यात्रियों ने अभी तक दर्शन का लाभ प्राप्त किया है। गंगोत्री धाम में 51,378, केदारनाथ जी में 1,26,306 और बद्रीनाथ धाम चूंकि 12 तारीख को ही खुला था तो वहाँ 39,574, तो कुल मिलाकर 2,76,416 यात्रियों ने अभी तक यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर लीजिए। अगर हम लोग पिछले साल से थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बता दूं, क्योंकि कुछ व्यवस्थाओं को लेकर कुछ सोशल मीडिया पर और कहीं कहीं सवाल आ रहे हैं कि यहाँ लोगों को होल्ड किया जा रहा, रोका जा रहा है। आपको पता है कि हमारे चारों धामों की एक कैपेसिटी है, और खासकर यमुनोत्री और केदारनाथ जी की। यमुनोत्री में आपको पता है कि हमारा 5 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो ट्रैक थोड़ा नैरो है और एक लिमिटेड संख्या में ही यात्री जा सकते हैं। जहां पिछले वर्ष जब 22 अप्रैल 2023 को कपाट खुला था तो यमुनोत्री धाम में पहले दिन 6,838 यात्रियों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया था, और इस वर्ष जबकि पहले दिन यहां कपाट खुला है तो 12,193 यात्री थे, लगभग दुगनी संख्या में यात्री यमुनोत्री धाम पहुंचे थे। पिछले 5 दिनों में चार धाम यात्रा में पहुंचे 2,76,000 श्रद्धालु। बीते साल 5 दिन में 1,38,000 यात्रियों ने किए थे दर्शन। पिछले 5 दिनों में अब तक 2,76,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। अगर बीते साल 2023 की बात करें तो शुरुआती 5 दिनों में 1,38,000 यात्रियों ने दर्शन किए थे, जबकि पूरे यात्रा काल में दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 56 लाख से अधिक थी। इस बार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से एक बात तो साफ है कि इस बार पिछले साल से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करेंगे। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।